पांडा गैंग का हाथ था जीतने में, इसीलिए जीत गई। मनीषा रानी के बारे में कुछ बातें जो है सोशल मीडिया पर हो रही हैं। मेरा कहना बस यही है कि जो मनीषा रानी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मनीषा रानी के फ़ैन ही नहीं हैं। वो शायद चाहते ही नहीं हैं कि मनीषा रानी जीते, क्योंकि जो असली फ़ैन होता है, जो प्यार करने वाला होता है, वो चाहता है कि कहीं से भी अगर कोई मदद मिल रही है मेरे चाहने वाले को, तो वो अच्छा ही है, मिले मदद, क्योंकि आपके दिल में जो चीज़ है वो पूरी हो पाएगी। मदद करने के लिए कोई आता है, अगर कोई मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो मददगार को एटलीस्ट उसका हाथ पकड़ना चाहिए। पर अब जो है जिस तरीके से फुकरा इंसान ने वोटिंग अपील की है, अपने पांडा गैंग को बोला है कि फिनाले में पहुंच चुकी है मनीषा, तो अपनी पावर दिखाओ, इसके बाद जो है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। नाराज़ इसीलिए हुए हैं, कुछ लोगों का कहना ये है कि मनीषा अगर जीत भी गई ना, तो ये ऐसा ही करता है, फुकरा इंसान ऐसा ही करता है और अपना नाम बनाना चाहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब से बहन बोला है। हालांकि फुकरा इंसान ने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत की है, मेरे को भी ऐसा लगता है, अब मेरे को ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि जब बिग बॉस में थे तब इनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं था और इनकी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा अच्छी थी। कभी कभार होता ना कि दिल से बहन बोल दिया और फिर उसके बाद अगर प्यार भी हुआ तो आप बोल नहीं सकते हो कि भाई मुझे तुझसे प्यार हो गया है। इनकी केमिस्ट्री भाई बहन जैसी नहीं थी, इनकी केमिस्ट्री जो है एक लवर्स के जैसी थी, जो कि अभी भी लोग जो है उस केमिस्ट्री को देखते हैं। तो जब बहन बोल दिया, जब बाहर आने के बाद इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई बहन भाई का कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अब फिर से जब बहन बोला तब काफ़ी बड़ा कांड हो गया, तब काफ़ी सारे लोगों ने गुस्सा करना शुरू कर दिया। अब जो है फुकरा इंसान ने जो वोट अपील की है, अब लोगों का कहना ये है कि भाई अगर जीत भी गई तो अभी ये लोग बोलेंगे हमारी वजह से जीती, हमारी वजह से जीती। तो गाइस अगर मनीषा हार गई तो फिर उन्हीं का नाम आएगा ना कि उनकी वजह से ही हारी, उनकी वजह से ही हारी, क्योंकि उन लोगों ने जो है किसी और को वोट किया, मनीषा रानी को नहीं किया, होगा ना। तो ये भी एक ही पहलू देखना नहीं होता, आप एक सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। मैं तो यही बात बोलती हूँ कि भाई वो मनीषा रानी के फैंस नहीं होंगे जो कि मदद लेने से इनकार कर रहे हैं। मनीषा रानी को फुकरा इंसान ने बहन बोला या कुछ भी बोला, पर हम लोगों को तो वो केमिस्ट्री पसंद है ना, और वो लोग अभी भी साथ में हैं, उन लोगों की दोस्ती है, और मैं तो हमेशा ही ये बात बोलती हूँ कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऊपर वाले के अलावा यार कोई भाई बहन नहीं होता, सच्ची बात बोलूँ कि ऊपर वाला जो एक घर में पैदा करता है ना, वही लोग भाई बहन होते हैं, खून के रिश्ते ही भाई बहन कहलाते हैं। अदरवाइज तो भाई मुँह से बोले हुए भाई बहन जो है पता नहीं कब कहाँ पर कैसे निकल लेते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अगर मदद मिल रही है तो भाई मददगार को अपना हाथ जो है आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर फुकरा इंसान मदद कर रहे हैं, पांडा गैंग मदद कर रहे हैं, तो मैं बस यही चीज चाहूंगी इस वक्त कि हाँ भाई करो, वोट करो। एक आईडी से 600 वोट कर सकते हो, आज कर सकते हो आप 100 वोट 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक, कल आप 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक 500 वोट कर सकते हो। करो पांडा गैंग, भर भर के करो, मनीषा फैंस भर भर के करो, अभिषा फैंस भर भर के करो, और ऐसी सोच अभी सोचो ही मत, नेगेटिव सोच सोचनी ही नहीं है, बस मनीषा को जिताने के लिए सोच इतनी ही रखो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।